यार हम ना अक्सर सुनते रहते हैं कि लाइफ में हमें वही करना चाहिए जो हम करना चाहते हैं, जिस चीज में मन लगे उसे ही अपना करियर बनाओ। पर यार ये भी बात सच है कि पैशन को फॉलो करना ये ऐसा है जैसे लोहे के चने चबाना। पैशन को फॉलो करने का सबसे बड़ा डर ये होता है कि क्या होगा यार अगर इतने साल मेहनत करने के बाद भी हाथ कुछ नहीं आया। एक तो सक्सेस रेट इतना कम है और ऊपर से मेहनत ज्यादा। अगर आसान शब्दों में बताऊं तो पैशन को फॉलो करना भूल भुलैया में रास्ता ढूंढने जैसा है। कब मंजिल मिलेगी कौन जाने, सब कुछ भगवान भरोसे। तो ऐसे में करे क्या, इसे समझने का बड़ा ही आसान सा तरीका है अपना जिंदगी के छोटे से छोटे एग्जांपल्स लाइफ के बड़े से बड़े सिनेरियो से मेल खाते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। मान के चलो आपको कहीं पहुंचना है जहाँ का आपको रास्ता पता है, आप क्या करोगे, फट से गाड़ी निकालोगे और फट से पहुंच जाओगे। कुछ लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं और फिर उस हिसाब से निकल जाएंगे। कुछ लोग जो थोड़े और होशियार है वो एक बार चेक करेंगे कि कौन से रोड पे ज्यादा ट्रैफिक है और फिर उस हिसाब से निकलेंगे। पर सोचो आपको जहां जाना है आपको सिर्फ उस जगह का नाम पता है, वो जगह कहाँ है, कितने दूर है, कौन सा रास्ता, कुछ नहीं पता, गूगल को भी नहीं पता, नो रिजल्ट्स फाउंड। पर ये बात तो फिक्स है कि वो जगह है और आपको वहां किसी भी हाल में पहुंचना है। जब आप रास्ते पे निकलते हो तो आपको पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं पहुंच जाऊंगा, नहीं तो आप निकलते ही नहीं। आप पूरे कॉन्फिडेंस में हो, फुल जोश में, आपको लग रहा कि बस अब थोड़े टाइम की बात है, मेरी गट फीलिंग बता रही है कि मुझे मेरी मंजिल मिल जाएगी। और जब आपके हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो अचानक से डेड एंड आ जाता है। अब यार कितनी बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज की प्लानिंग की है, सब कुछ आपके हिसाब से एकदम परफेक्ट चल रहा है, आपको आपके प्लानिंग पे पूरा भरोसा है, आप फुल प्रिपेयर्ड हो कि भाई अगर ऐसा हो गया तो मैं ऐसा करूंगा, अगर ये हो गया तो मैं ये करूंगा, आप हर वो डिफिकल्टी के लिए रेडी हो जो आ सकती है और कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। शिट यार ये क्या हो गया, कोई ऑप्शन ही नहीं है, रास्ता बंद है, घूम के दूसरे रास्ते से जाओ। प्लानिंग को लग गया झटका, फिर वहीं से घूम के जाने में बड़ी जान पे आ रही है, एक तो धूप भी इतनी तेज हो रही है, क्या छूटा पाए। अब ना ये पहले सेटबैक से आप नॉर्मल हो चुके हो, अब आने लगते हैं सवाल, यार क्या मैं पहुंच पाऊंगा। किसी को रास्ता पूछते हो तो कोई बोल रहा यहां है, कोई बोल रहा नहीं है, आप घूमते जा रहे। जब आप घर से निकले आपको लगा कि यार ये सक्सेस का रास्ता तो बड़ा सीधा सीधा है यार, बस मेहनत ही तो करनी है और टैलेंट तो है ही। और जब सब कुछ होते हुए भी रास्ता नहीं मिल रहा तब बड़ी जान जलती है, हर थोड़े थोड़े कदम पे डेड एंड आए जा रहे। आपको पता चलता है कि जो आपके साथ निकले थे, जिन्होंने सेफ और सरल रास्ता चुना था, वो तो कब के पहुंच चुके हैं। घर वालों का फोन आता है कि बेटा अगर रास्ता नहीं मिल रहा ना तो घर वापस आ जा। यहां पे अब हिम्मत जवाब देने लगती है, छोड़ो यार क्या झंझट है ये, चलो बैक टू पवेलियन, बिन फालतू में टाइम वेस्ट हो गया। पर नहीं, आप में जिद है, चाहिए मतलब चाहिए, आप लगे रहे आपका रास्ता ढूंढने में, ऐसे कैसे नहीं मिलेगा। अब अंदर की ये जो एक्साइटमेंट थी वो एग्रेशन में बदल गई, आपने पूरी ताकत लगा दी। पर टाइम निकलते जा रहा, जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है आप पे प्रेशर बनते जा रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होने वाला, जल्दी वापस आ जा, जितना लोग बोल रहे हैं कि नहीं मिलने वाला उतना आपको गुस्सा आ रहा है, ऐसे कैसे नहीं मिलने वाला, मुझे मिलने वाला है, आप पागलों समान ढूंढते जा रहे, हर जगह डेड एंड पे डेड एंड, क्यों निकला मैं बिन फालतू में पैशन फॉलो करने, अच्छी खासी नौकरी करता, बीवी बच्चों के साथ खुश रहता, पर नहीं, हे भगवान क्या दुश्मनी है तुझे मुझसे, क्यों ऐसा कर रहा, क्यों मेरे पीछे हाथ धो के पड़ा है। पर अगर ये बात है तो फिर ठीक है, अब यहां से मैं कतई ही वापस नहीं जाऊंगा, लगा ले ऊपर वाले जितना जोर लगाना है तुझे। ओ शिट
शायद भगवान ने मेरी ये बात सीरियसली ले ली। अब जिंदगी ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। पेट्रोल खत्म हो गया, अब बस सब खत्म। बहुत कर लिया जितना करना है। इट्स डन, ऑल ओवर। अब क्या, क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि गाड़ी छोड़ के पैदल निकल जाओ? कितना डरावना ठोट है। निकले गाड़ी पे थे, अब पैदल जाना पड़ रहा है। आप सोच रहे होंगे क्या पागलपन है ये। हाँ है भी, और इसीलिए वो एक ही इंसान होता है जो ये पागलपन करता है। सब कुछ छोड़ छाड़ के सोचता है, अब भला मुझे पैदल चलने से कौन रोक सकता है। कभी मिले हो किसी ऐसे को रास्ते में? शायद नहीं, क्योंकि वो सारे आज बहुत दूर निकल चुके हैं। और कभी कोई ऐसा आपको रास्ते में टकरा जाए तो उससे एक ऑटोग्राफ जरूर ले लेना, क्या पता कल मिले ना मिले। चलो भाई आज का कोटा खत्म। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों अगली बार। यूं ही याद करते रहना और अपना ख्याल रखना। पीस।